हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केडी ट्यूटोरियल्स। आज हम डीबीएमएस के बारे में कुछ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है डीबीएमएस का, एंड इसमें हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। डेटा की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं डेटा? हमारा होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड। लाइक कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो भी डेटा है। जैसे नोटपैड की फ़ाइल होगी, वर्डपैड की फ़ाइल होगी, जावा की फ़ाइल हो गई, इमेज, इमेज में हमारे कोई भी जेपीजी, कोई भी इमेज डीएसएलआर से ली हुई इमेजेस, जितने भी इमेजेस हैं वो हमारे एक तरह का डेटा है। लाइक कि वीडियोस, MP4, ठीक है, ये सब क्या होता है डेटा के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास होता है डेटाबेस। एक्चुअली में होता क्या है डेटाबेस को हम कह सकते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटाबेस। ठीक है, लाइक कि हमारे पास स्टूडेंट से रिलेटेड डेटाबेस है, तो स्टूडेंट से रिलेटेड डेटाबेस है तो उसमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या होगी? लाइक उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसकी क्लास क्या होगी। अगर हम डेटाबेस को क्लासीफाई करें तो हम कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल डेटाबेस, मल्टीमीडिया डेटाबेस एंड रियल टाइम डेटाबेस। ट्रेडिशनल डेटाबेस की बात करें तो हमारे पास जो एंशियंट टाइम में इंफॉर्मेशन होती थी उसको हम डेटाबेस ही मान के चलते हैं कि हम किस तरह से स्टोर करते थे। वो फाइल्स की फॉर्मेट में होता था, बुक्स की फॉर्मेट में होता था। इनको मैनेज करना थोड़ा टफ होता था क्योंकि अगर हमें कुछ भी सर्च करना होता तो फाइल को पूरा स्क्रीनिंग करना पड़ता कि कौन सी फाइल में है, उसको देखना पड़ता एक एक करके। बट आजकल जो है टेक्नोलॉजी क्या होती है बहुत फास्ट होती जा रही है, तो हमारे पास अलग अलग तरह के डेटाबेस आ रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करके। मल्टीमीडिया डेटाबेस की बात करें तो हम लोग जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या फिर ऑनलाइन स्टडी करते हैं वो वीडियोस हो गई। उसके बाद है रियल टाइम डेटाबेस। अगर हम बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तो ये है क्या? देखो, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो हमारे डेटाबेस को पीरियडिकली अप टू डेट रखता है। अगर कुछ चीज़ें हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है तो उन्हें डिलीट कर देगा, कुछ कंस्ट्रक्ट करेगा न्यू चीज़ें, मैनिपुलेशन अगर ज़रूरी है तो उन्हें करेगा। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म पर्टिकुलर एक्शंस लाइक इट कंस्ट्रक्ट डेटाबेस, इट मैनिपुलेट डेटाबेस। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये एक इंफॉर्मेशन, ये हमारे डेटाबेस को इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है कि हम अपने डेटाबेस को इजीली प्रोसेस करा सकें ताकि हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमारा रिट्राइवल ऑफ डाटा एंड रीस्टोरेशन ऑफ डाटा क्या हो जाए कि ईजी हो सके, हम इजीली अपने डाटा को रीस्टोर कर सकें, स्टोर कर सकें, रिट्राइव कर सकें। ठीक है, अब हमारे पास आती है कि हम अपने डेटाबेस को किस तरह से डिज़ाइन कर सकेंगे। ओके, हम अपने डेटाबेस को शो कैसे कर सकते हैं, लाइक हायर लेवल व्यू के थ्रू, कंसेप्चुअल व्यू के थ्रू। अब हमारे पास कुछ अप्रोचेज होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए। फर्स्ट है हमारे पास ER मॉडलिंग। ER मॉडलिंग में हम क्या करते हैं कि हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो हमारा एग्जिस्ट करता है उसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशनल व्यू। ठीक है, लोअर लेवल व्यू, फिजिकल व्यू टू स्टोर टेबल्स। ठीक है, अब हमारे पास आता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में हम क्या करते हैं, टू रिप्रेजेंट डेटाबेस इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट। ठीक है, टेक्निकल, अगर हमारे पास अगर हम बात करें, अगर हम टेक्निकल बंदे हैं तो हमें तो पता होगा कि भाई हमारा डेटाबेस का ना स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा है। अगर हम इसे नॉन टेक्निकल बंदे को अगर समझाना चाहें तो हमें ग्राफिकल वे में इसको शो कर सकते हैं ताकि उस बंदे को पता लग जाए कि एक्चुअल में हमारा डेटाबेस का है जो एक आर्किटेक्चर है वो किस तरह से है। लाइक कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स क्या है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो रिलेशनशिप की रिलेशनशिप क्या होता है, हाउ टू एंटिटीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर, दो एंटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद ER डायग्राम में हमें क्या करना पड़ता है, हमें एंटिटीज़ डिफाइन करनी पड़ती हैं, एंटिटीज़ की एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने पड़ते हैं एंड हाउ एंटिटीज़ आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमें फुल्ली डेटाबेस में जितना भी डेटा है उस डेटाबेस डेटा को डिफाइन नहीं करना पड़ता, उस डेटा को शो नहीं करना पड़ता, केवल एक ओवरव्यू देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में अपनी एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं तो हमारे पास कई तरह के एट्रीब्यूट्स आते हैं, लाइक कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स, सिंपल एट्रीब्यूट्स, सिंगल एट्रीब्यूट्स, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, स्टोर्ड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स एंड कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स में हमारे पास क्या होता है, वो एट्रीब्यूट्स जिनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लाइक नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, एड्रेस में हम क्या कर सकते हैं, स्टेट नेम, पिन कोड, सिटी नेम और लोकल एड्रेस। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लाइक हमारी एज है, एज तो एज ही रहेगी, उसको हम फर्दर डिवाइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है
सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में हमारे पास क्या है, जिनको हम केवल सिंगल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लाइक कि एज हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में हमारे पास क्या है, जिनको मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते, लाइक फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर हमारे पास एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। एड्रेस हमारे पास क्या होता है, टेम्प्रेरी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। स्टोर्ड स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो हम स्टोर कराते हैं, लाइक कि डेट ऑफ बर्थ हमने स्टोर करा दी एक बार, तो हमारी एज जो है वो तो चेंज होती रहेगी, वो स्टैटिक थोड़ी होगी। तो हम डिराइव कर सकते हैं एज गिवन डेट के, गिवन DOB के अकॉर्डिंग और प्रेजेंट डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके हम अपनी एज को डिराइव कर सकते हैं। तो एज हमारा क्या हो जाएगा, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट वो होते हैं जो हमारे पास कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट हो प्लस मल्टी वैलिड हो, तो हम उस एट्रीब्यूट को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट के एग्जाम्पल क्या है, एड्रेस। एड्रेस में हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये कॉम्पोजिट है क्योंकि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लाइक स्टेट स्टेट नेम, पिन कोड, लोकल एड्रेस, स्ट्रीट नेम, ऐसे ऐसे, ठीक है। प्लस इसको मल्टी वैल्यूड भी कर सकते हैं क्योंकि एक तो हमारा टेम्प्रेरी एड्रेस हो सकता है, परमानेंट एड्रेस हो सकता है, तो इसलिए एड्रेस जो हमारे पास है वो कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट है। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी वीडियोज़ लेके आऊँ जल्दी से जल्दी। एंड प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट करते रहिए। प्लीज़ गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़, बाय।